अनुराधा नक्षत्र सर्वार्थ सिद्धि योग में इस बार की देवशयनी एकादशी आने वाली है। आने वाली 17 जुलाई की तारीख को आस्थावान लोग देवशयनी एकादशी का महाव्रत रखेंगे और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत रखने का बड़ा महत्व है। मान्यता है ये व्रत जो कोई रखता है उसे 7 जन्मों के समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और वो इसी जन्म में मोक्ष का भागी बन जाता है। भगवान विष्णु ऐसे जातक को स्वयं अपनी शरण में रखते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवशयनी एकादशी का प्रारंभ माना जाता है। इस तिथि को पद्मनाभा भी कहते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार सूर्य के मिथुन राशि में आने पर देवशयनी एकादशी का योग बनता है। यहीं से चातुर्मास का आरंभ भी हो जाता है। चातुर्मास यानी 4 माह, जिसमें सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक माह शामिल होते हैं। कहा जाता है इस दौरान भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में चिर निद्रा में चले जाते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि इस दौरान भगवान विष्णु पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करते हैं, जो कार्तिक शुक्ल एकादशी को पुनः लौटते हैं। और ऐसा तब होता है जब 4 महापाद तुला राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं और जब भगवान उठते हैं तब वह दिन देवोत्थानी एकादशी कहलाती है। देवउठान एकादशी तक भगवान शिव जगत का सारा कार्यभार धारण करते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को ही शंखासुर दैत्य मारा गया था और इसी दौरान राजा बलि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे विशेष वरदान दिया था। पुराणों के अनुसार दैत्य राजा बलि के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगे जाने पर भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया, जबकि दूसरे पग में संपूर्ण स्वर्ग लोक और तीसरे पग में जब राजा बलि ने अपने आप को समर्पित कर दिया तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का अधिपति बना दिया, वर मांगने को कहा। बलि ने भगवान से अपने महल में नित्य रहने की प्रार्थना की। बलि ने भगवान श्री हरि को बंधन में बांध लिया था। तब उनकी भार्या लक्ष्मी ने बलि से भगवान को वचन मुक्त करने का अनुरोध किया। ऐसा कहा जाता है कि तब से भगवान विष्णु द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता 4-4 महापाताल लोक में निवास करते हैं। विष्णु देवशयनी एकादशी से देव उठानी एकादशी तक, शिवजी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक, और इसीलिए इस दौरान शास्त्रों में 16 संस्कारों का भी निषेध बताया गया है। मान्यता है इस काल में चाहे यज्ञोपवीत संस्कार हो, विवाह हो, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, जितने भी शुभ कर्म हैं वे सभी त्याज्य हो जाते हैं। भविष्य पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार इन 4 माह में सूर्य चंद्रमा का तेज क्षीण हो जाता है। पित्त स्वरूप अग्नि की गति भी शांत हो जाती है, जिससे शरीरगत शक्तियां भी सो जाती हैं। शरीर में आलस रहता है। विज्ञान ने भी माना कि चातुर्मास में कई प्रकार के कीटाणु, सूक्ष्म रोग, जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो जाती है। ऐसी स्थिति में भगवान का नाम, जप, यज्ञ का महत्व बढ़ जाता है। तो मित्रों, इस अवसर को हाथ से जाने ना दें। तो चलिए जाते जाते नोट कर लें देवशयनी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि 16 जुलाई रात 8:32 से अगले दिन 17 जुलाई रात 9:01 पर रहेगी। 17 जुलाई बुधवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन आप भगवान विष्णु की पूजा 17 जुलाई की सुबह 5:34 से 11 तक कर सकते हैं। इस दिन प्रातः काल उठे नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें, पवित्र जल से घर में छिड़काव करें, पूजन स्थल पर श्री हरि विष्णु को सोने, चांदी, तांबे या पीतल की मूर्ति उनकी स्थापित करें, षोडशोपचार सहित पूजन करें, पीताम्बर वस्त्र आदि से विभूषित करें, तत्पश्चात व्रत की कथा सुने, आरती करें, फिर प्रसाद का वितरण करें, अंत में श्वेत या पीले गद्दे तकिए वाले पलंग पर श्री विष्णु को शयन कराएं। इस दौरान ध्यान, तामसिक चीजों और प्रवृत्ति से दूर रहें, जप तप में ध्यान लगाएं। तो मित्रों, देवशयनी एकादशी आने वाली है। समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली इस एकादशी का व्रत आप भी रख रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री विष्णु।